सो हेलो एवरीवन, ये है JSW स्टील के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 32,916 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर वो 34,167 करोड़ यहाँ पर हो गया है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो है शेयर की इनकम वो इंक्रीज़ हुई है। टोटल एक्सपेंसेस जो है ईयरली बेसिस में 33,052 करोड़ थे, जो अब क्वार्टरली बेसिस में 29,730 करोड़ यहाँ पर हो गए हैं। यानी कि इनकम बढ़ी है लेकिन जो शेयर के एक्सपेंस है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं। आगे हम इस शेयर के जो है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देख लेते हैं। 288 करोड़ इस शेयर का ईयरली बेसिस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, जो अब यहाँ पर 4,015 करोड़ हो गया है। शेयर की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। अर्निंग पर शेयर जो है 0.38 पैसे था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, अब जो है 12.2 पैसे हो गया है। ओवरऑल एनालाइज़ करने के बाद हम देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे हैं। फिलहाल के लिए तो इस शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो अभी अगर आप इस शेयर को यहाँ पर लो प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो लो प्राइस पे बाय करने के लिए जो ये शेयर है अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और शेयर का मैक्सिमम टारगेट जो है इस मंथ तक का वैसे 800 रुपये तक यहाँ पर जा सकता है। तो अगर आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क में यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं। शेयर के रिटर्न्स और रिज़ल्ट तो आपको यहाँ पर अच्छे देखने को आगे भी मिल जाएंगे।